स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे पास आई है किया सोनेट, ये एसटीके वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट बोलते हैं। तो आज हम इसमें यार बहुत ही बेसिक सा काम करवाने जा रहे हैं। मतलब आज जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हो ना, तो गाड़ी को सेफ रखने के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज के लिए आपको, या थोड़ी अच्छी लुक दिखने के लिए कुछ ना कुछ करवाना पड़ा था। तो हम बहुत छोटे छोटे काम करवाने वाले हैं, लगवाने वाले हैं साइड में डोर के, डोर गार्ड्स जो होते हैं वो लगवाएंगे, और हम यहाँ पे रेन वाइजर लगाएंगे, विंडो वाइजर बोलते हैं वो। दो चीज है मेरी मेन, ये करवानी है मेरे को। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, 2023 वाला है, इसका रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हम किस किस जगह जा सकते हैं इस टाइम पे। मेरे यहाँ पे श्रीनगर है, वहाँ पे छोटी सी मार्केट है, आसका पास का हो जाएगा, नहीं तो हम ऑब्वियस सी बात है करोल बाग तो जाना पड़ेगा हमें इसको लेके। चलो देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, अभी और भी आगे मेन रोड भी दुकान है, लेकिन एक ये इसमें मेरे ज्यादातर पार्ट्स मिल जाते हैं। और आगे जाए तो यहाँ पे है की वाली दुकान, यहाँ पे कीज बन जाती है, इस पे हटियो ना मैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे की कवर्स मिल जाते हैं। की भी आपको मतलब अलग अलग तरीके की मिल सकती है, डिजाइन भी मिल सकता है, जैसे आपको अगर कीलेस बनवानी तो वो भी बन जाएगी दूसरी, ठीक है। यहाँ पे कवर्स भी सिलते हैं, चलो दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। फाइनली हमारा जो हमें चाहिए था, पूरा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, जैसे हमें कार का कवर, कार की का कवर चाहिए था, वो जैसे हमें चाहिए वो ब्लैक में नॉर्मल चाहिए था, वो रेड में था तो उसमें जमेगा नहीं ज्यादा। तो और एक हमें मिल गए रेन वाइजर, और हमें यहाँ पे मिल चुकी है जो यहाँ पे रबड़ लगती है वो। तो भैया रेन वाइजर का आपने कितना बताया था प्राइस? हाँ तो मैंने नॉर्मली लगवाया, अभी चिपक रहा है जैसे अभी। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है इसका लगाने का? ठीक, तो इसको मतलब सीधा से चिपका दे डस्ट वस्ट उसको साफ करने के लिए? चलो ठीक। और ये कितने का, इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 430 की ये है और 100 रुपये इसको लगाने के चार्जेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब तुम देख सकते हो सारे कि अब यहाँ पे एक ऐसा लग चुका है, इससे थोड़ी सी यार कार के और लुक थोड़ी एनहेंस हो जाती है, और बारिश से भी पानी अंदर ना आने का डर रहता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। और थोड़ा सा अगर धूप में जैसे होता है कि गर्माहट में शीशा थोड़ा नीचे करो, दिखता भी नहीं किसी को कि वो है। अब यहाँ पे दूसरा भी ये लग रहा है, तो अब इसको लगते हुए देखो। और ये जस्ट यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं, अब ये यहाँ से साफ होगा और पूरा, और ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। भैया इसका कितना परसेंट चांस रहता है कि ये निकल जाए टेप्स? मतलब जैसे लगा होगा हाई स्पीड में कभी हो या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, कितनी करेगा तो अलग चीज है, हवा कभी ये तो ना कहीं उड़ उड़ा के यार, हमारा तो कोई बात नहीं, किसी का लगना जाए मेरे को वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ही रबड़ लगवा रहा हूँ, कोई बंदे होते हैं उससे जस्ट इतना सा वो लगवा लेते हैं ना प्लास्टिक उसका होता है, वो लगता है डोर गार्ड। तो क्या लगता है कि सही ये वाला होता है या वो? पसंद आपकी होती है, आप जो मर्जी लगवा सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये लगवाएंगे तो एटलीस्ट कोना तो बचा रहेगा हमारा कहीं लगने से, बट उससे तो सिर्फ उस उतने पर्टिकुलर पार्ट का बचेगा ना जितना जिस पे वो लगेगा। वो इतना कवर होता है तो मेरे ख्याल अगर वो लगती है तो वो सिर्फ इतने पे जितना है उतने पे नहीं लगेगी, बाकी तो नुकसान ही है आदमी का। तो क्या लगता है स्टाइल वो बढ़िया दिखाती है गाड़ी में या ये लगता है? अच्छा और अच्छे दिखने में अच्छा वो लगता है, ये रबड़ दिखती है, पसंद होती है, टेस्ट की बात है। चलो ये भी हाँ बात ठीक है, टेस्ट की ही बात है। अब ये लग रही है, लुक ना खराब कर दे गाड़ी, मैंने सोचा ये लगवा लेते हैं, क्यों फालतू में वो खराब करना। अच्छा अंदर बीच में से घुसता है ये, बीच में से घुसता है तो ये दोनों तरफ से है, ये देखो जैसे अंदर से भी इतना ही है और बाहर से भी ऐसे ही आएगा, बीच के अंदर कटिंग होती है वो लग जाती है, एटलीस्ट गेट्स तो बच ही रहेंगे। अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं अगर ये भैया निकालने का तो निकालने का, और मैं निकालवाना चाहूँ तो निकल जाएगा ना अपने आप ही, इजीली निकल सकता है ना। तो अब यहाँ पे दूसरा सेट हो रहा है, नीचे तक आ गया है। अब हमारा थोड़ा फाइनल सा काम हो चुका है कि, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मैंने पूरी यहाँ पे लगवा दिया है। तो यार मेरे को देख के बताना कैसी लग रही है, मतलब पूरे वाइट पे एक ऐसा ब्लैक सा वो हो रहा है तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इस तरफ से भी एक ऐसा लुक देख लो, ये है। अब ये लास्ट वाला ये जो रह रहा है रेन वाइजर, ये इसको पता नहीं कुछ हो गया या लंबा है, वो तो उसको काट वाट के दूसरे सेट में से निकाल के लेके आएगा फिर वो लगेगा। इस पर प्रोटेक्शन करना तो बहुत जरूरी है, अभी सबसे ज्यादा कोने लगता है, कोई भी उनका गलती से हो जाता है। थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के लिए करवाया है, मुझे ये बताना कमेंट्स में कि आपके मतलब डिसेंट प्राइस लगा या ओवर प्राइस लगा यहाँ ऐसा करवाने में, क्योंकि ये जो रबड़ है जो ये लगवाई है
इसमें मेरे को पता नहीं यार क्या लगता है कि ओवर प्राइस है या रीजनेबल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना और इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी करके जाना और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब नई वीडियो आए तो पता चल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।